नमस्ते, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पिछले कुछ वक्त से भारतीय बैडमिंटन के सबसे सफल नाम, वर्ल्ड रैंकिंग में अपने से ऊपर के प्लेयर्स को रेगुलर अंतराल में हराने वाले शटलर्स। इन दोनों को लगातार दूसरे टूर्नामेंट में दुनिया की नंबर एक जोड़ी के हाथों हार का सामना करना पड़ा है, यानी कि इस खास जोड़ी के खिलाफ इनका हालिया प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। 9 नवंबर को हुए चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में इन दोनों को इंडोनेशिया के मार्कस फर्नाल्डी गिडियन और केविन संजया सुका मुजो ने सीधे सेटों में हराया। कुल 40 मिनट तक चले इस मुकाबले को इंडोनेशियन जोड़ी ने 21-16, 22-20 से जीता। इस टूर्नामेंट को लगातार 3 बार जीत चुके मार्कस और केविन पिछले 4 साल में यहाँ एक भी मैच नहीं हारे हैं। इन दोनों ने पिछले ही महीने अट्ठाईस अक्टूबर को हुए फ्रेंच ओपन के फाइनल में भी भारतीय जोड़ी को हराया था। अब सात्विक और चिराग लगातार 8 बार इन दोनों से हार चुके हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात होगी कि यह दोनों पिछले 2 साल से भी ज़्यादा वक्त से दुनिया के नंबर एक शटलर बने हुए हैं। लगातार भारतीय जोड़ी ने वर्ल्ड नंबर 3 ली जुन हुई और ल्यू यू चेन को हराकर सेमीफाइनल में एंट्री की थी। उससे पहले के मैच में इन्होंने दुनिया में 6 नंबर की जोड़ी जापान की हिरोयुकी इंडो और युता वातानाबे को मात दी थी। इस मैच की बात करें तो पहले दोनों सेट में भारतीय जोड़ी ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन लॉन्ग रन में उसका फायदा नहीं उठा पाए। पहले सेट में लंबे वक्त तक एक एक पॉइंट के लिए गजब की फाइट हुई। हालांकि भारतीय जोड़ी पूरे वक्त तक अपना टेम्परामेंट बरकरार नहीं रख पाई और पहला सेट 21-16 से गंवा दिया। दूसरे सेट के पहले 5 पॉइंट्स के दौरान भारतीय जोड़ी लगातार लीड लेती गई और इंडोनेशियन जोड़ी को पीछे से आकर स्कोर बराबर करना पड़ा। इसके बाद यानी 5 पॉइंट्स, जब स्कोर 5-5 हो गया, उसके बाद पहली बार इंडोनेशियन जोड़ी को लीड लेने का मौका मिला और स्कोर हुआ 6-5। लेकिन यहां से सात्विक और चिराग ने लगातार 2 पॉइंट्स बनाकर एक बार फिर से स्कोर को 7-6 से अपनी तरफ कर लिया। हालांकि इंडोनेशियन जोड़ी इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं थी। 8-6 के स्कोर पर उन्होंने लगातार 2 पॉइंट्स खींचे और स्कोर एक बार फिर से 8-8 से बराबर हो गया। लगातार 7 बार इनसे हार चुके सात्विक और चिराग इस मैच को इतनी आसानी से गंवाने के मूड में नहीं थे। मैच के अंतिम पल तक एक एक पॉइंट के लिए दोनों जोड़ियों ने एक दूसरे को बहुत कड़ी टक्कर दी। हालांकि 2 साल से ज़्यादा वक्त से वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर एक की पोजीशन पर मौजूद मार्कस और केविन का अपार अनुभव युवा भारतीय जोड़ी पर भारी पड़ा। उन्होंने लगातार 8वीं बार भारतीय जोड़ी को मात दे दी और इसके साथ ही लगातार 4थी बार चाइना ओपन जीतने के करीब भी पहुंच गए। अगर आपने यह वीडियो फेसबुक पर देखा तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आपने इसे यूट्यूब पर देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। नमस्ते, मैं सूरज, कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं राशिद। शुक्रिया।